छिंदवाड़ा भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि आजादी की बात की सरकार ने आदिवासियों के बारे में देश को अंधेरे में रखा है। इस बयान के बाद छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मोदी जी खुद अंधेरे में हैं, जो भी आदिवासियों के लिए किया है वह कांग्रेस ने किया है। नाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज 18 साल बाद शिवराज जी जाग उठे हैं कि आदिवासी समाज हमारा 1,60,00,000 जो मध्य प्रदेश में किस तरह पिछड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर यह पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी को तो आदिवासी समाज के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो कौन से सदमे में है, कौन सी दुनिया में है, मैं नहीं समझता। दरअसल भोपाल में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनके बयान पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। वे सोमवार को 3:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वह भोपाल रवाना होंगे। वहीं पूजा शिवी लॉन में नाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही और पीएम और सीएम के आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज 18 साल बाद शिवराज जी जाग उठे हैं कि आदिवासी समाज हमारा 1,60,00,000 जो मध्य प्रदेश में किस तरह पिछड़ा है, और मोदी जी को तो आदिवासी समाज के बारे में तो जानकारी ही नहीं। वो कौन से स्वप्न में, कौन सी दुनिया में, मैं नहीं समझता। आज नाम बदलने की राजनीति करी, रानी कमलापति का सीहोर में महल, ये नाम बदलने की झूठ की राजनीति, गुमराह की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति, इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए चंद्रशेखर शक्रवार की रिपोर्ट।